रिलीज करती है। नाउ टू थिन फिलामेंट्स, यहां देखिए ये डायग्राम, ये डायग्राम देखिए, ये थिक फिलामेंट है, मोटी है, और ये पतली है, ये थिन फिलामेंट। एक थिक फिलामेंट, दो थिन फिलामेंट, ये एक थिला फिलामेंट, एक थिन फिलामेंट ये और दूसरी ये, दो थिन फिलामेंट से ओवरलैप्ड होती है। ये जो रीजन कहलाती है, यहां से लेके और यहां तक जोन ऑफ ओवरलैपिंग, यहां क्या कहलाती है, जोन ऑफ ओवरलैपिंग। यहां पे भी देखिए, ये रीजन और ये रीजन, जोन ऑफ ओवरलैपिंग। ये जोन ऑफ ओवरलैपिंग का जो पैटर्न है, ये प्रोड्यूस करती है स्ट्रिएशंस, राइट, बोथ दोनों में, सिंगल मायोफाइब्रिल्स में और होल मसल फाइबर में। ये रेस्पॉन्सिबल है जोन ऑफ ओवरलैप, ये जोन ऑफ ओवरलैप, ये वाली रीजन रेस्पॉन्सिबल है एस्ट्रिएशंस को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब लाइट मैन डार्क, लाइट डार्क, ये एस्ट्रिएशंस जो प्रोड्यूस करते हैं ये। अब देखिए ए बैंड, डार्कर मिडिल पार्ट, ये वाली पार्ट यहां से लेके यहां तक, ये वाली पार्ट कहलाती है ए बैंड। ये थिक फिलामेंट के एक छोर से लेके दूसरे छोर तक फैली होती है, ठीक है, ये कहलाती है ए बैंड। आई बैंड, ये वाली पोर्शन, आई बैंड लाइटर होती है और ये लेस डेंस एरिया है, इसमें केवल थिन फिलामेंट्स होते हैं। यहां देखिए ये थिन फिलामेंट, केवल थिन फिलामेंट, इस रीजन में कोई भी थिक फिलामेंट नहीं पाया जाता है, इसलिए ये केवल थिन फिलामेंट को इंडिकेट करती है। और जोन ऑफ ओवरलैप, ये ए बैंड के एंड वाला रीजन है, क्या है, ए बैंड के एंड वाला रीजन, जहां पे दोनों थिक फिलामेंट ये और थिन फिलामेंट एक दूसरे को ओवरलैप करती है या एक दूसरे के साइड बाय साइड प्रेजेंट होते हैं। जी डिस्क, ये जी डिस्क, इस ये जो आई बैंड है उसको दो भाग में बांटती है, मतलब ये आई बैंड के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले वाले डायग्राम में हम देखते हैं, इसमें देखिए ये पूरी की पूरी आई बैंड है यहां से यहां तक, ये देखिए ये यहां से लेके यहां तक आई बैंड है ना, ये पार्ट पूरी आई बैंड, और इस दोनों के बीच ये जो रीजन है ये कहलाती है जी डिस्क। इसका मतलब ये हुआ कि जी डिस्क कहां होगा, आई बैंड के सेंटर में। एच जोन, एच जोन जो है ये वाली, मतलब ए बैंड का वो पार्ट जो कि नॉन ओवरलैप्ड है, सेंट्रल पार्ट कहलाती है एच जोन। इसमें केवल और केवल ए बैंड मौजूद होते हैं, सॉरी थिक फिलामेंट मौजूद होते हैं। यहां देखिए नो थिक, नो थिन फिलामेंट, केवल थिक फिलामेंट, इसलिए ये कहते हैं इन द सेंटर ऑफ इच ए बैंड ओनली थिक फिलामेंट, नो थिन फिलामेंट, तो एच जोन ये हुई। इसको हम याद रख सकते हैं कि हा, इसके लिए हम क्या टर्म याद रखें, एच ए हा, ये एच फॉर एच जोन, ए फॉर ए बैंड, मीन्स ए बैंड के सेंटर पे, सेंटर में जो रीजन होती है
जो कि नॉन ओवरलैप्ड पार्ट है ए बैंड का, ये कहलाती है एच जोन। और आई आई के लिए हमने टर्म दिया है जी। इसका मतलब ये हुआ कि जी आई बैंड के सेंटर में पाई जाती है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स ऑफ स्केलेटल मसल। यहां देखिए, ये स्केलेटल मसल है, इससे बना फैसिकल, फैसिकल से निकला ये मसल फाइबर, ये मसल फाइबर, और ये है मायोफाइब्रिल, ठीक है। और ये बने हुए हैं यहां, ये है मायोफिलामेंट, ये देखिए ये क्या है मायोफिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, और ये बीच वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन ओवरलैपिंग, देखिए ये ओवरलैपिंग और ये ओवरलैपिंग, तो डार्क लाइट, डार्क लाइट, और ये स्ट्रिएशंस कॉज करते हैं। आइए अब हम अपने स्टडी को समराइज करते हैं। यहां देखिए, ये मायोब्लास्ट है जो कि मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। ये मायोब्लास्ट सेल्स एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, ये हंड्रेड्स की संख्या में होते हैं। फ्यूज करने के बाद ये मसल फाइबर बनाते हैं। जैसे मसल फाइबर बन जाती है, इसमें डिविजनल कैपेसिटी नहीं रहती, मतलब लॉस्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मसल फाइबर इन एन इंडिविजुअल जन्म के पहले ही निर्धारित हो जाती है। आइए अब हम इसमें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें। ये वाली पार्ट सार्कोलिमा कहलाती है, जो कि मसल फाइबर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। ये सार्कोलिमा टीनी इन्वेजिनेशंस बनाते हैं, मतलब सार्कोप्लाज्म में इन्वेजिनेट कर जाते हैं यहां ऐसे। इस इन्वेजिनेशंस को हम टी ट्यूब्यूल या ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इसकी संख्या हजारों में होती है। ये देखिए, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस है मसल सेल में। सारी कैल्शियम आयन यहीं पे स्टोर्ड रहती है, ठीक है। सार्कोप्लाज्म ये हो गई ग्राउंड सब्सटेंस, जिसमें कि मायोग्लोबिन, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोजन, ग्रैन्यूल्स, न्यूक्लियस, सारे कुछ प्रेजेंट होते हैं। ये मसल फाइबर का डिटेल्ड स्ट्रक्चर। यहां देखिए, ये वाली जो पार्ट है, ये वाली कहलाती है सार्कोलिमा, और ये वाली जो पोर्शन है, ये देखिए, ये मायोफाइब्रिल, और इस मायोफाइब्रिल को चारों ओर से सराउंड की हुई है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हमने एसआर से यहां पे इंडिकेट किया है, ये एसआर, ठीक है। ये है टी ट्यूब्यूल, जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इन्वेजिनेशंस है, और ये है टर्मिनल सिस्टर्न्स, मतलब डायलेटेड एंड ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये टर्मिनल सिस्टर्न अगर टी ट्यूब्यूल के दोनों साइड हो, इस साइड और इस साइड, तब वो स्ट्रक्चर ट्रायड का निर्माण करती है। यहां ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये सार्कोमियर, ये है जी डिस्क, ये जो जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसी में देखिए ये मोटी, अच्छा यहां पे इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, इसको पूरे को हम यहां देखते हैं। ये वाली रीजन, ये है जी डिस्क, जिगजैग लाइन, जी डिस्क, इधर भी जी डिस्क, ये जिगजैग लाइन, ये कहलाती है सार्कोमियर। दैट इज दो कंजिक्यूटिव जी डिस्क के बीच या एडजेसेंट जी डिस्क के बीच के डिस्टेंस को हम सार्कोमियर बोलते हैं। इस सार्कोमियर में ये थिक फिलामेंट और ये थिन फिलामेंट दोनों होते हैं।
देखिए थिन फिलामेंट की डायमीटर कम है, लगभग 8 नैनोमीटर। थिक फिलामेंट की डायमीटर मोटी है, ज़्यादा है, लगभग 16, लगभग दुगुनी है थिक और थिन। ठीक है, अब ये जो रीजन है कहलाती है ए बैंड, ये पूरी की पूरी जहाँ तक थिक फिलामेंट फैली हुई है, ये है थिक फिलामेंट। ये रीजन क्या कहलाई? ए बैंड। ए बैंड के बीच वाली ये रीजन जहां पर कि अच्छा इस सार्कोमियर में कि एंड पे देखिए यहां पे ये इस रीजन में केवल थिन फिलामेंट है ना, ये कहलाती है आई बैंड। क्या कहलाई ये? आई बैंड, आई बैंड। ठीक है, इसके सार्कोमियर के बीच में देखिए केवल यहां से यहां तक केवल थिक फिलामेंट है, नो थिन फिलामेंट। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं जी डिस्क, सॉरी एच जोन। क्या बोलते हैं इस रीजन को हम? एच जोन। यहां लिखा हुआ इंडिकेट किया हुआ एच जोन, यहां पे केवल थिक फिलामेंट, नो थिन फिलामेंट। ठीक है, और इस एच जोन के बीच में ये लाइन होती है, ये कहलाती है एम लाइन। मतलब एच जोन को दो भाग में डिवाइड करने का काम एम लाइन करती है। ठीक है, ये आई बैंड के ये जी डिस्क हुआ, आई बैंड इस साइड भी है, इस साइड भी, ये टोटल रीजन कहलाती है आई बैंड। तो आई बैंड के सेंटर में जिगजैग स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो कहलाती है जी डिस्क। इसका मतलब ये हुआ कि जी डिस्क आई बैंड को दो पार्ट में डिवाइड करती है कि या इसके सेंटर पे पाई जाती है। इसको याद करने के लिए हमने बताया आपको जेड आई जी, इसमें ये होती है ए एच ए। हा, अब इसके हम लोग थोड़ा सा डिटेल्ड स्ट्रक्चर को देखें। यहां देखिए ये थिक फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट, एक थिक फिलामेंट दोनों साइड से दो थिन फिलामेंट द्वारा ओवरलैप्ड, ये कहलाती है जोन ऑफ ओवरलैप। क्योंकि यहां थिक और थिन फिलामेंट एक दूसरे से के साइड बाय साइड प्रेजेंट होते हैं, ये रीजन कहलाती है एच जोन। यहां पे केवल थिक फिलामेंट मौजूद है, ये रीजन कहलाती है आई बैंड, क्योंकि यहां पे केवल थिन फिलामेंट प्रेजेंट है। ठीक है, ये एम लाइन जो कि एच जोन के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। थिन फिलामेंट मुख्यतया एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं और ये थिक फिलामेंट मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए।